सच का साथ दिया, हक के लिए आवाज उठाई, बोल न्यूज झुका ना एंकर्स ने सहाफत पर कोई समझौता किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर मीडिया पर पाबंदियों से मुतालिक आवाज़ बुलंद कर दी। बोल न्यूज के एंकर इमरान रियाज खान के किए गए भयानक जुल्म का कौम को बताया। मीडिया पर क्रैकडाउन, धमकियां, सहाफियों पर पाबंदियां। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज सरकार को आईना दिखा दिया। बोल ने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। मीडिया के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है और वो लोग जो मेरे वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, वो इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, धमकियां दी जा रही हैं, हिमायत करने पर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बड़े बड़े अच्छे नाम, वो इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में? और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कुछ सवाल उठाए। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूँ कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला ढूंढा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर मिल जाता था कि वो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की, बताओ किसको हमने धमकी दी? बोल ने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। जिस चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। इमरान खान का कहना था उनके दौर में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मौजूदा हुकूमत ने उन मीडिया हाउस और एंकर्स पर दबाव डाला जिन्होंने हक और सच के लिए आवाज बुलंद की। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।